आपके फेवरेट आंटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग मेरा 16 या 17 का, आई थिंक, मेरे को याद भी नहीं है। अभी काफ़ी दिन हो गए इस व्लॉग को, दो तीन दिन तो मेरा व्लॉग ही नहीं आया है। उससे पहले का ही एक जो व्लॉग है वो मैंने शूट किया था। अभी हाल ही में मैंने कोई भी 3-4 दिन से कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा है। उसका रीज़न तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा से कुछ रहा है जिस वजह से मैं नहीं व्लॉगिंग कर पाई हूँ। ये आप जो मेरे 2 व्लॉग्स आज और कल देखोगे ना, वो मेरे पहले से शूट थे, तो इनको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी 3-4 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं कराया। क्यों नहीं कराया वो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊँगी। तो इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मैं यहाँ पे अभी क्या बोलूँ, मेरे से बोला भी नहीं जाएगा। बस ये है, मैंने व्लॉग शूट करा था तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और क्यों नहीं कराया वो अलग से आप लोगों को फिर मैं बता दूंगी। तो यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने चाय बना दी है। चाय मतलब चाय पीने से पहले मैं 1 गिलास पानी पी रही हूँ। और ये हैबिट ना मेरी बीच में बहुत अच्छी बन गई थी कि मैं 1 गिलास पानी ज़रूर से मॉर्निंग में पीती थी। लेकिन अभी पता नहीं कुछ टाइम से आदत छूटी ना, तो वो बिल्कुल छूट गई है। तो मैं दोबारा से जो है सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ, मतलब अपने को फोर्स पुश करती हूँ कि हाँ मैं 1 गिलास पी लूँ। अब इससे कुछ होता है या नहीं होता है, लेकिन एक हैबिट बन गई थी तो मेरे को ये था कि नहीं पीना है पानी। तो अब मैंने दोबारा से शुरू कर दिया है और चाय पी अब मैंने बना दी है। मतलब मैं गर्म पानी पीते पीते मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। बाहर आपको थोड़ा सा मौसम दिखा दिया था, ग्रीनरी दिखा दी थी मैंने आपको। और चाय हमारी हो चुकी है, अभी यहाँ पर बाहर मैं आई हूँ। आपने देखा होगा मैंने एक बकेट में जो पतीले से पानी है वो डाला था। तो ये हमारा आरओ का जो वेस्टेज वाटर होता है ना, वो ही हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। तो हमारा ज़्यादातर जो आरओ का जो वेस्टेज वाटर होता है, या तो वो प्लांट में यूज़ होता है, प्लांट्स में ज़्यादा यूज़ होता है, और पोचे में भी मैं यूज़ करती हूँ उसको। क्योंकि जितना पानी उसमें से गिरता है उसका डबल, मतलब जितना पानी उसमें भरता है ना, उसे डबल पानी जो है गिरता है। तो वो इतना कहाँ ही वेस्ट करे ना, तो हमारे गमले हम उसी से वो कर देते हैं। वैसे मोटर चलाते हैं तो गमले वगैरह में पानी, क्योंकि हमारे घर में इतने गमले हैं, आपको क्या बताऊं कि इस बार इन बाल्टी से तो होगा ही नहीं, मोटर ही हम लोगों को ऑन करनी पड़ती है। वो जो है पापा मम्मी पानी दे देते हैं। यहाँ पर जो बाल्टी है मैं लेकर आ गई थी, तो जो गमले सूख गए थे, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, सूख जा रहे हैं गमले, तो एक बाल्टी पानी जो था ना वो मैंने यहाँ पर जो है गमलों में डाल दिया सुबह के टाइम। और यहाँ पे बर्ड्स इतना प्यारा बोल रही थी ना, बहुत सुंदर, सुबह सुबह के टाइम तो अच्छा लगता ही है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा सुबह का काम इस तरह से शुरू हो जाता है। और क्या बोलते हैं, हमारे घर में कोई भी हाउस हेल्पर नहीं आती है, मम्मी और मैं मिलकर ही काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, बहुत पहले आती भी थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने खुद ही से, क्योंकि उनको मतलब उस टाइम पे कोविड आ गया था तो हमने उनको हटा दिया था। फिर वो अपने घर के पास ही उधर काम करती है। और सच बताऊं मैं अगर आपको, तो उनके अलावा मतलब मेरे को और मम्मी को वो दूसरी हाउस हेल्पर जो है रखने में कंफर्टेबल तो नहीं होता है। जो उनसे लगाव था ना वो किसी और से होता ही नहीं है। और ऊपर से आजकल सच बताऊं आपको तो हाउस हेल्पर ने इतना ज्यादा से अपने रेट कर दिए ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक बार हमने बीच में बुलाया था किसी को, उन्होंने इतना रेट बोला कि मैंने मम्मी को बोला नहीं भाई हम कर लेंगे, क्योंकि आते ज़्यादा तो हमारे घर में सामान ही भरा हुआ है, तो इतनी ज़रूरत इतना ज़्यादा है ही नहीं झाड़ू पोछे के लिए। लेकिन उन्हें पैसे ही इतने बताए कि इससे बढ़िया हमें लगा कि नहीं, खुद से ही करेंगे, हाथ पैर भी चलते रहेंगे अपने और ठीक रहेगा। जो पैसे उनको देने हैं उतने पैसे में हम कुछ और चीज़ें ले सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो इसलिए मम्मी और मैं खुद से ही सारा काम करते हैं। और अपना ये होता है कि हाथ पैर अच्छे से चलते रहते हैं, एक्सरसाइज या वॉक तो नहीं हो पा रही, तो चलो इन्हीं कामों में जो है हमारा थोड़ा बॉडी जो है एक्टिव रहता है। और
और यहाँ पे ना अभी जो मैं हूँ फैन जो है ना उनको क्लीन कर रही हूँ। एक्चुअली ये फैन काफी टाइम से क्लीन नहीं हुए हैं क्योंकि सर्दियों में ये चले नहीं है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे हमारे घर पे काम वगैरह चला था तो उस टाइम पे हमने क्लीन करे थे, उसके बाद अभी आप लगा लो 3 से 4 महीने हो गए तो ये क्लीन नहीं हुए थे, तो इस वजह से आज मैं इनको क्लीन करी हूँ। क्योंकि एक तो ये व्हाइट कलर के हैं ना, एकदम से इन पे नजर जाती है तो बहुत गंदे लगते हैं, तो यहाँ पर मैं जो है इनको क्लीन कर रही हूँ। मम्मी जो है बाहर, हमारा बहुत बड़ा आंगन है आपको पता है, वहाँ पे मम्मी झाड़ू लगा रही हैं और मैं यहाँ पे अंदर काम कर रही हूँ। तो मम्मी और मेरे काम ना देखो ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पर मेरे को ये बोलते भी अजीब नहीं लगता है कि मम्मी झाड़ू लगा रही हैं या मैं पोछा लगा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को शायद ये लगता होगा कि मतलब पूजा की सास झाड़ू लगा रही है या मैं पोछा लगा रही हूँ या मम्मी ये कर रही है वो कर रही है। करते हैं तो करते हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, अपने घर का ही काम कर रहे हैं इस वजह से। तो इसलिए काफ़ी बार मम्मी मेरे को बोलती है कि ब्लॉग में मत बोला कर ऐसे कि मैं ये कर रही हूँ, लेकिन इसमें कोई शर्म की बात नहीं, अपना घर का काम कौन नहीं करता है ना। जब तक मेरी मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी तो मेरी मम्मी भी अपने घर का काम खुद से ही करती थी और उन्होंने हमेशा से आज तक भी खुद से ही काम किया है। अब तो तन्नू आ गई तो मम्मी को हेल्प हो जाती है साथ में, इससे पहले मेरी मम्मी भी काम करती थी, अभी भी मेरी मम्मी तन्नू के साथ काम करती है, तो इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है। इसलिए मैं अपने ब्लॉग में हमेशा बताती हूँ कि मम्मी और मैं दोनों मिलकर काम करते हैं, चाहे मैं मम्मी को दिखाऊँ ब्लॉग में चाहे ना ही दिखाऊँ ना, लेकिन हम दोनों मिलकर ही करते हैं। तो मैंने वहां पर एक फैन जो है वो क्लीन कर दिया है, ये दूसरा वाला फैन जो है मैं क्लीन कर रही हूँ। और ये वाला फैन ना उस वाले फैन से भी बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रखा था, शायद ये ज्यादा चलता होगा हो सकता है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको ना पहले साफ कपड़े से कर दिया था, जो धूल मिट्टी थी वो कर दिया था, सूखे कपड़े थे, उसके बाद मैंने विम जेल से इसको साफ करा। अभी मैं गीले कपड़े से 2-3 बार इसको क्लीन कर रही हूँ और हमारे जो व्हाइट कलर के जो फैन है ना वो बहुत अच्छे से चमक चुके हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी हम लोग फैन जो है साफ करते हैं ना उनकी स्पीड काफी अच्छी हो जाती है पहले से, जबकि पहले ये हल्के से कम स्पीड में थे, लेकिन जैसे ही मैंने इनको क्लीन करा ना ये बहुत अच्छी स्पीड में, क्योंकि मुझे लगता है शायद धूल मिट्टी से ना ये बहुत भारी से हो जाते हैं, उतनी हवा नहीं दे पाते हैं, शायद आप लोगों को ऐसा लगता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आप। तो पंखे जो है ना क्लीन हो चुके हैं और उसमें से थोड़ा सा जैसे गिर जाता है ना धूल धाल सी से निकलती है, वो नीचे गिर गया था फर्श पे, तो वो मैंने झाड़ू से उठा दिया है। और यहाँ पर अब मैं डस्टिंग कर रही हूँ, तो ये टेबल वगैरह डाइनिंग टेबल हो गया, जो भी हमारे ये साफ करने वाली चीज़ें होती हैं डेली की होती हैं वो मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको कार्ड दिखा रही थी कि सिया ने अपने दादू के लिए ये वाला कार्ड बनाया था हैप्पी बर्थडे का, इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने साइड में इसको रख दिया, संभाल के रख देंगे, क्योंकि जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना उस टाइम पे दिखाओ तो बच्चे भी खुश होते हैं, अपने आप को भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बचपन में बच्चों ने ऐसा बनाया था। तो यहाँ पे बस मैं डस्टिंग कर दूंगी। वेलकम बैक टू द चैनल, और कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आज है थर्सडे, टाइम अभी 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी मैं करेले की सब्जी बना रही हूँ। एक्चुअली करेले ना 2-3 दिन से हैं क्योंकि हमने लिए 1 किलो थे, पूरे नहीं बनाए थे क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाओ ना तो अच्छे भी नहीं बनते हैं, तो 4 करेले मैंने रहने दिए थे। तो इसके साथ में प्याज और 2 आलू जो है ना वो मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पर आलू की शेप देखो बिल्कुल हार्ड शेप है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे बना ही रखा होगा ये किसी ने, ये देखो। तो 2 आलू डाल रही हूँ मैं इसमें, और हमारे काम तो वैसे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस अब मेरे को जो है पोछा लगाना है। मम्मी जो है बाहर सारा मम्मी कर रही हैं, तो जैसे प्लांट पे पानी वगैरह धुलाई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर की वो मम्मी देखती हैं, तो मम्मी कर रही है, मैं अंदर का कर लेती हूँ। तो अभी मेरे को पोछा लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ मैं सब्जी चढ़ा देती हूँ क्योंकि फिर ये पकती रहेगी और मेरा पोछा लगता रहेगा और पोछा लगते लगते सब्जी बन जाएगी, फिर मैं आटा गूंथ दूंगी। वैसे तो छोले भी बचे हैं लेकिन मैं सोच रही हूँ कि वो दिन में यूज़ कर लें चावल के साथ, इसलिए मैं अभी करेले की सब्जी बना रही हूँ। बच्चे खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा पराठे के साथ, और वैसे वो जिद जरूर करेंगे कि मम्मी भटूरे बनाओ, तो थोड़ा सा भटूरे का आटा है देखूंगी बनाऊंगी, तो मैं उसका पराठा करके बना के दे दूंगी बच्चों को। तो यही सब है, चलिए तो अभी फटाफट सब्जी बनाते हैं और ब्लॉग जो अपना कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाले करेले ना मम्मी और मैं लेकर आए थे, 1 किलो हम लेकर आए थे, तो मैंने पूरे नहीं बनाए थे क्योंकि ये ना फिर ज़्यादा से बनाओ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि उतना अच्छा सब्जी नहीं बन पाती, अगर हम लोग कम बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन फिर भी 1 किलो में से ये 4 करेले बड़े साइज़ की जो है वो बच गए थे। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैंने इसको बीच में से हाफ कट कर दिया और अब मैं इसको बारीक बारीक सा बिल्कुल कट कर लूँगी। और वैसे आपने मेरे को देखा होगा मैं हाथ से करेले कट नहीं करती हूँ, मेरे पास जो वो होता है ना आलू जो कद्दूकस होता है ना ग्रेटर होता है उसमें
में एक साइड दी रहती है ना ऐसे करके ब्लेड, जैसे जैसे हम चिप्स बनाते हैं वहां से मैं इसको स्लाइस में कट कर लेती हूँ। बहुत अच्छा होता है और कुछ ही सेकंड में जो है करेले बहुत अच्छे से स्लाइस में कट हो जाते हैं। लेकिन अभी मैंने इसको हाफ कट करा ना, इसलिए मैं इसको हाथ से कट कर रही हूँ। और ये करेले अभी भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि हम लेकर आए थे, बिल्कुल फ्रेश। हाँ, अब लग रहे हैं ना, उससे ऐसे लग रहे थे पूरे फूल खराब हो गए, लग रहे थे ना ऐसे। अब देखो सही लग रहे हैं, अब लग रहे कि नए लगा रखे। तो यहाँ पे मम्मी जो है प्लांट्स में पानी दे रही हैं, आपके फेवरेट आंटी। तो यहाँ पे मम्मी ने ना ये जो खराब हो गए थे ना निकाले, और उसकी वजह से अब इतने अच्छे लग रहे हैं ना, ये ऐसे लग रहे हैं नए लगाए अभी ना, इसकी वजह से तो खराब हो गए सारे पौधे। हाँ, अब कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, अरे मम्मी ऐसे कलर लगाओ ना जैसे ये पापा गमले लाए वाले, ये ना ऐसे कलर ये और खिलकर दिखते हैं, ये जैसे ये कलरफुल ना, ये अलग ही लग रहे हैं ना, इनसे इनसे पौधे भी सुंदर लग रहे हैं। हाँ, ये हमारे घर के फ्रंट में, और इन पौधों को भी पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी ना सूख जाते हैं क्योंकि धूप बहुत तेज़ है ना, तो यहाँ पे भी डेली पानी देना ही पड़ता है, और उसके बाद भी देखो सूख रहे हैं। तो इनमें पानी देने में भी बहुत टाइम जाता है, पूरा 1 घंटा चाहिए हमारे घर में तो प्लांट्स को पानी देने के लिए। हाँ, अच्छे भी लग रहे हैं वाले ना, अच्छे हो गए अभी ये। तो बस बाहर मैंने आपको दिखा दिया है, मम्मी जो हैं अपने कामों में लगी हुई हैं, और ज़्यादातर मम्मी जो हैं बाहर के काम मम्मी ही करती हैं, मैं अंदर के काम करती हूँ। तो मम्मी वहाँ पे प्लांट्स में पानी दे रही हूँ क्योंकि उनको पानी देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे सब्जी अभी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने प्याज और आलू जो है ना एक साथ ही फ्राई कर लिए थे अच्छे से हींग और जीरा के साथ, और यहाँ पर अब मैं साथ में ही मैं यहाँ पर जो है करेला भी ऐड कर दूंगी। और उसके बाद इसको मैंने 5 से 10 मिनट ढककर ना भून लिया था, और उसके बाद यहाँ पर अब मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मसाले वही बेसिक हमारे जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, ये ही मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको अब ढक दूंगी, और जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक इसको पकाते रहना है। तो अभी ढक दूंगी मैं इसे, और अभी मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने सब्जी पहले इसलिए चढ़ा दी है क्योंकि मेरे को ये था कि ये बनती रहेगी और मैं अपना पोछा जो है लगाती रहूंगी, तो इस वजह से मैंने पहले सब्जी ही चढ़ा दी थी। और सब्जी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तो हम लोग सब्जी रोज़ नहीं बनाते हैं मॉर्निंग में, कई बार रात की बचती है तो वो हम लोग रोटी के साथ खा लेते हैं, लेकिन ऐसे बनाते नहीं है। लेकिन ये 4 करेले पड़े हुए थे तो मेरे को था कि चलो आज यही बना देती हूँ मैं, और नहीं तो वैसे रात की सब्जी होती या फिर मैं उसके अलावा फिर कुछ और बना देती हूँ। तो स्पेशली हम सुबह बहुत ही कम होता है कि बनाते हैं, तो बस यहाँ पर सब्जी बन रही है और यहाँ पर एक साइड में फटाफट से जो है पोछा लगा लूँगी।
तो बस मॉर्निंग के जितने भी काम थे हमारे सारे के सारे निपट चुके हैं, और बहुत ही टाइम से निपट चुके हैं, क्योंकि हम जल्दी आजकल उठ जाते हैं ना, तो घर के सारे काम बहुत जल्दी से निपट जाते हैं। और उसके बाद मैं नहा गई थी, नहाने के बाद यहाँ पर कुछ कपड़े वॉश किए थे, जो कि डेली ही कपड़े होते हैं ना, वो वाले वॉश किए थे, तो वो मैं सुखा रही हूँ। और अभी मैं छत में कपड़े नहीं सुखाने जाती हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है छत में और कपड़ों का कलर जो है फेड हो जाता है। तो यहाँ पर जो बाहर स्टैंड है, यहाँ पर ही मैं अपने गर्मियों में कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि अगर इस टाइम पे मैं सुखाने डाल रही हूँ, शाम तक अच्छे से सूख जाते हैं, चाहे कितने भी गीले कपड़े हो, बहुत जल्दी ये सूख जाते हैं। तो अब मैं स्टैंड में कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि इतनी धूप में कौन ही छत में जाए, फिर मैं लाना भूल जाती हूँ, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो बस यहाँ पे आराम से सूख जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी अपने रूम में, और यहाँ पर थोड़ा सा अपना स्किन केयर बोल लो, या थोड़ा सा जो भी हम फेस पे लगाते हैं वो मैं लगा रही हूँ। तो पहले वही मैं सीरम लगाती हूँ, उसके बाद मैं सनस्क्रीन ज़रूर से लगाती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है। वैसे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सनस्क्रीन ज़रूर से लगानी चाहिए, तो इसलिए मैं वो ही लगा रही हूँ यहाँ पे। और अब जाके फिर किचन में जाऊंगी, और अब मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट मतलब रोटी बनाऊंगी। मैंने आपको सब्जी बनाते हुए दिखाया था, लेकिन फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। अब मैं सबके लिए रोटी बनाऊंगी, सब हम सभी के लिए। और मम्मी जो है, मम्मी नहा चुकी है, मम्मी इस टाइम पे पूजा की तैयारी कर रही है। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम ऐसे ही करते हैं, मम्मी जब नहा जाती है तो मम्मी पूजा की तैयारी करती है, और मैं नाश्ता बनाती हूँ, सबको नाश्ता करवा देती हूँ, और यहाँ पर कुछ बेड जैसे थोड़ा सा सही भी कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार तो हस्बैंड कर देते हैं, कई बार जैसे नहीं करते हैं, इस टाइम पे वो भी नहा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है बेड वगैरह ठीक कर दूंगी, फिर किचन में जाके जो है अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं रोटी बना रही हूँ, और यहाँ पर ना दो मैं नान टाइप के बना रही हूँ, क्योंकि इससे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने छोले भटूरे बनाए थे, और आप सभी ने जो छोले भटूरे बहुत पसंद करे, खाए तो नहीं लेकिन आपको देख के ही बहुत अच्छे लगे, तो उसी का ना मतलब दो रोटी के बराबर आप समझ लो आटा बचा हुआ था। तो मैं आशी और सिया के लिए वही बना रही थी, क्योंकि मैं भटूरे तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो नान टाइप का इनके लिए बना दूंगी, और इनको मैं दे दूंगी थोड़ा छोले, हमारे लिए तो करेले की सब्जी हो ही जाएगी। तो ये ब्लॉग आप सोच सकते हो मतलब 16 तारीख का है, उसके बाद मैंने मतलब व्लॉग तो ये बन ही रहा था, लेकिन शूट मैंने कुछ भी नहीं कराया 3-4 दिन से, मतलब बहुत ही कुछ गलत चीज़ ऐसी हो गई है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ सच्ची में। तो इस वजह से मैं कुछ मन ही नहीं करा, आज भी ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो बस मन ये है कि मतलब बिल्कुल मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं है, कैमरा ऑन ही नहीं करा है, बिल्कुल मेरा मन ही नहीं है, बहुत ख़राब हो रखा है मन आजकल। लेकिन ये पुराने ब्लॉग से मैंने कहा चलो ये मैं अपलोड कर देती हूँ, फिर नए ब्लॉग्स तो शायद आपको थोड़ा सा लेट ही मिले मेरे, अगर जब मेरा मन थोड़ा ठीक होगा तो ही मैं ये ब्लॉग जो है बनाऊँगी, अदरवाइज़ मेरा बिल्कुल अभी मन नहीं है। इस टाइम पर मेरे को कुछ ऐसा पता भी नहीं था, उसके नेक्स्ट डे शायद मेरे को बात चीज़ पता चली है ना, इस वजह से। टाइम हो गया अभी 11:30 बज गए हैं, और हमारा ब्रेकफास्ट, घर का सारा काम हो चुका है, ये तो बहुत पहले ही हो गया था, मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ, तो हमारा तो जल्दी काम हो गया था, और मैं एडिट करने बैठ गई थी अपना ब्लॉग, तो मैंने कहा चलो अभी पहले सबसे पहले मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, क्योंकि कल मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं गया है, क्योंकि मैंने इससे एक दिन पहले जो है ना कोई भी ब्लॉग नहीं शूट करा था, तो ब्लॉग कहाँ से ही मिलना था ना, तो बस यही है। और बच्चे अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं, छुट्टी है इनकी, मतलब बीच बीच में पढ़ते रहते हैं, अपना होमवर्क करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में टीवी ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि आजकल घर में है ना, तो टीवी टीवी क्योंकि टीवी छोड़ो तो फिर मोबाइल के पीछे पड़ते हैं, इसलिए टीवी मेरे को ये लगता है ना कि दूर से देख रहे हैं तो ठीक है, मोबाइल ही आंखें गाड़ गाड़ के देखते हैं, तो ये होता है कि चलो मोबाइल देख रहे हैं वो टीवी देख रहे हैं तो अपना ठीक है। आज ना ऐसा लग रहा है ना थोड़ा सा फ्री फ्री सा लग रहा है, एक तो मेरा वीडियो बहुत जल्दी एडिट हो गया, क्योंकि आधा मैंने रात को ही एडिट कर दिया था इस वजह से, और इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आज हमें लंच नहीं बनाना है, जो रात को वो छोले बनाए थे ना तो वो बचे हुए हैं, तो वो हमारे लिए हो जाएंगे, तो इस वजह से खाना नहीं बनाना है, तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि खाली खाली सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब कि, तो इस खाली खुली में हम अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं, मतलब लेडीज का तो देखो यही होता है कि उनको खाली टाइम मिलता है तो वो यही सोचते हैं कि अगर वो काम नहीं होता चलो वो कर देता है, नहीं तो फिर दिन भर ना सच्ची बताऊं तो ऐसा लगता है कभी कभी कि लेडीज जो है ना वो किचन में ही है, उनका ज्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है, तो आज खाना नहीं बनाना, और अच्छा भी लगता है जिस दिन खाना नहीं बनाना पड़ता है या कम बनाना पड़ता है, या मतलब होता है कि चलो आज नहीं बनाना खाना है तो ठीक रहता है। बस यहाँ पे हमने सुबह लिए थे टमाटर, और ये लिए थे क्या बोलते हैं प्याज लिए थे, तो आलू तो पड़े हुए थे लेकिन टमाटर भी थे, लेकिन टमाटर ना ठीक दे रहे थे, यहाँ पे 30 रुपए किलो मिल रहे थे, 2 किलो ले लिए थे, और 100 की प्याज है 3 किलो 3.5 किलो, तो ये ले लिए, इनको मैं बास्केट में लगा दूंगी अभी,
तो ठीक रहेगा। और मैं सोच रही हूँ अपने ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे ब्लॉग जो है आपको ऐसे ही मिलेंगे, रूटीन ब्लॉग मिलेंगे, कभी कुछ स्पेशल होगा तो वो भी देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग पसंद कर रहे हो करोगे ब्लॉग को मेरे। तो चलिए मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलूंगी आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय। और हमारे इधर बहुत तेज धूप हो रही है, देखो बहुत बहुत तेज धूप हो रही है। जबकि देहरादून में हम लोग रहते हैं तो मौसम अच्छा ही रहता है, और जगह से तो काफी अच्छा है, लेकिन हम लोगों को ये गर्मी भी बहुत तेज लगती है जाता है। तो चलिए, तो बातें बहुत कर ली है, मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।